र अहिले चाहिँ फिलहाल म उठिसकेको छु है। उठिसक्नु बित्तिकै मैले यहाँनिर पानी पनि बसाइसकेको छु र अभिका टाइम हो चुका है, 5 बज चुका है। तो मैं अभी उठ के गर्म कर रहा हूँ पानी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग कालिम्पोङ, गुड मॉर्निंग दार्जिलिङ, गुड मॉर्निंग सिक्किम, गुड मॉर्निंग आसाम, गुड मॉर्निंग नेपाल, सबै 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 जग्गा जहाँ जहाँ नेपालीहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई वेरी गुड मॉर्निंग है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से देखिए इतना धूप निकल चुका है। ओ माय गॉड, देखो इधर ऊपर वहाँ पे तो अभी भी चांद अभी भी गया नहीं है, चांद वहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके नीचे गोल्डन गोल्डन करके वहाँ पर धूप भी आ चुका है। तो इधर देखिए हमेशा की तरह इधर भी गोल्डन गोल्डन करके धूप आ चुका है गाइस। अब देखिए मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट भी तैयार हो चुका है। मैंने इसको बटर लगा के टोस्ट कर लिया है ब्रेड को। तो अब हम ये लेके ड्यूटी जा रहे हैं। अभी का टाइम हो चुका है 8 और मैंने ये सुबह सुबह चाय ले लिया। मैं अभी काम करने की जगह पर आ चुका हूँ। तो आज देखिए यहाँ पर एकदम सुनसान है, एकदम बंजर की तरह। इधर देखिए आज तो कोई भी नहीं, ना तो डोजर है ना कुछ कोई और दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ से अभी का टाइम हो चुका है 9 बज चुका है और यहाँ पे सब लोग काम के लिए जाने वाला है। सब लोग अपने अपने काम में ये एकदम बिजी है सब लोग। तो हम भी इधर वीडियो बनाने में बिजी है भाई। र म अहिले फिलहाल चाहिँ धान झाट्नु भनेर जाँदैछु खलेगरातिर। हाम्रो धान उठाउने बेला भएको छ, 2 गरा भए पनि धान रोप्नु भएको छ नुहागीको लागि भनेर बाबाले। सो बाबा सायद धान झाँट्नु हुँदैछ होला। म पनि भर्खरै अहिले तल ड्युटीबाट आइपुगेर चाहिँ धान झाँट्न एकछिन भए पनि म बाबालाई हेल्प गरौँ भनेर म जाँदैछु। म चाहिँ धान झाँट्नु भनेर आइसकिसकेको छु। कतिखेरदेखि झाँटेको बा? ए हो र, सकिन आँट्यो क्या हो ला। म ढिलो भयो नि त खास चाहिँ, बहुत ढिलो भयो। र फिलहाल अब अलिकति मात्रै रहेको रहेछ, बाबाले झाँटिसक्नु भएको रहेछ धान जति सबै है। र धान चाहिँ हामी चाहिँ यसरी झाड्छौँ। यो बा के धान हो? यो मसिनो धान, मसिनो धान। यसरी ढुङ्गा राखेर त्यसमाथि हिर्काएर झार्नु पर्दो रहेछ हो। र म पनि अब एकैछिन धान झाँट्नेछु। फिलहाल मैले चाहिँ यो पनि गरिसकेँ है, यो धान पनि उयो गरिसकेँ र म चाहिँ बडा पनि भइसकिसकेँ है। अबको 1 महिना 6 महिना 7 महिना अगाडि नै म चाहिँ बडा भइसकेको। ऐ मलाई बडा भन्दा भाइ, भाइ ऐ भाइ बडा भन्नु। हेलो ऐ
बडा भन्ने बडा 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 हो ऐ ऐ गडा बडा हो यति भाका ट्याउ 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 मेरो भाइको छोरा म त बुढो पनि भइसक्यो हो यो दाजु पनि फुलिसक्यो अब आफ्नो कहिले हो कहिले फिलहाल अहिले बाबा चाहिँ नाङ्लो लिएर पनि आइसक्नु भयो है यो मेरो यो धानलाई चाहिँ अब हम्काउनु पर्ने के भन्छ बताउनु पर्छ अब धानलाई बताउनपट्टि लाग्नु पर्छ हो यो पाराले बत्तिन्छ है अब यस्तो फिलहाल चाहिँ अहिले धान पनि सक्यो धानको काम पनि हामीले धान पनि बताइसकेको छौँ र उठाउँदैछौँ अहिले चाहिँ फिलहाल फिलहाल चाहिँ आजको काम डल्लै चाहिँ गरिनँ यो पराल अब भोलि थन्काउनु पर्छ होला है अब बाबाले अलिअलि थन्काउँछु भन्नुहुँदैछ तो अभी के लिए मैं चला खाना खाने के लिए तो खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा फिर से ड्युटी ल छोरा हत्तु भएर थाकेर आइसक्यो लु मासु भात खाने अब मासु भात दिइहाल मासु भात खाइहाल्ने वान वान चोक्टा त्रुक त्रुक झोल खाना खाइसकेर भाँडा पनि धोइसकिसकेको छु है अब चाहिँ ब्रस गर्छु तो मैं चला फिर अब नीचे काम में तो देखे के छु म आउटिया देखो ऊपर बल आउट आउट हुने वाला ब्याट्सम्यान एकदम निराश हताश एकदम टेन्स लौट रहा है बाउन्ड्री की तरफ वो देखो केपीजी आर्यन वाइटी इतना खतरनाक से केपीजी आर्यन वाइटी तो एकदम डर गया भाई स्टाफ अब देखिए कुछ रन नहीं दे पाया मेडन ओवर हो गया एक भी विकेट नहीं हुआ आज लाइज ये समाप्त तो भो अंधारो भर आई सको पूरे हई रहा हमी आज सकने फिर भोलि खेलने छोड़